सुनाइए क्यों ये चाहती थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है इसकी जांच न करे। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से कि आज इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के एनआईए की जो विश्वसनीयता है उस पर तो सवाल उठेंगे ही आने वाले समय में, सियासत भी तेज होगी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए चुनाव हो चुका है, यदि चुनाव के पहले वोटिंग के पहले निर्णय आता तो इसको इस चुनाव में भी भुनाने की कोशिश होती है। अब चुनाव हो चुका है तो अगली जो सरकार किसकी बनती है, भाजपा की कांग्रेस की, वो सरकार के ऊपर अब निर्भर करेगा कि जो है इसको किस तरह से वो आगे ले जाती है। कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच में तेजी आएगी और मामला जो है सच क्या है गलत क्या है ये आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि कहीं भाजपा की सरकार बनती है तो फिर इस पर फिर सवाल खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर सियासत जो है इस पर आने वाले दिनों में भी रुकने वाली नहीं है, सियासत जारी रहेगी। और देखिए कई तरह के सवाल है कि आखिर धर्मलाल कौशिक भी इसके अगेंस्ट में क्यों गए थे। एक सवाल ये भी है कि जीतन मुदिलियार जो उदय मुदिलियार के बेटे थे उन्होंने दरअसल में 2020 में दरभा में एफआईआर कराया था और उसी एफआईआर में ये आरोप लगाया गया था एनआईए के ऊपर कि हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र दो जो चीजें हैं वो इसमें है ही नहीं। जो एनआईए जांच कर रही है उसमें न तो हत्या का कोई मामला है और न ही राजनीतिक षड्यंत्र का, जबकि छत्तीसगढ़ की जनता इस मामले को जानती है। एक एक व्यक्ति यहाँ का जान रहा है कि ये पूरी तरह से भाई 32 लोगों की मौत हुई थी, तो ये हत्या का इसमें मामला था, राजनीतिक षड्यंत्र का भी मामला था, ये निश्चित रूप से सब जानते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को एनआईए क्यों छुपा रही थी ये भी एक सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण सवाल आगे भी जारी रहेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल तक भी, अगली सरकार तक भी जो है ये सिलसिला जो है सियासत का चलता